श्री विद्याय नमः, हर हर महादेव। सिंह राशि वाले सभी जातक, वर्ष 2024 में एक प्रश्न करियर से रिलेटेड आपके मन में होगा और ये क्या कई तरह के होंगे। पहले तो है कि जिन लोगों की जॉब नहीं लगी तो उनकी जॉब कब लगेगी, जॉब के योग कब बन रहे हैं वर्ष 2024 में, और इसी के अलावा करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है या कई कई तरह की समस्याएं आपके सामने हो रही हैं उत्पन्न, तो उसके लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा, व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा, आपके जो इनकम सोर्सेज हैं उनके लिए कैसा रहेगा, वो सब चीज़ों पे थोड़ी जानकारी लेंगे। वर्ष 2024 में क्या ग्रह योग बन रहे हैं, कैसे आपको उपाय करने चाहिए, और जॉब के क्या हाल हैं 2024 में, कुल मिलाकर के करियर के क्या हाल। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अस्तु शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ श्री विद्यास्तु यूट्यूब चैनल में। और बात करते हैं वर्ष 2024 की, तो 2024 में तीन ग्रहों की मुख्य स्थिति रहेगी पूरे वर्ष, शनि महाराज, राहु महाराज और देवगुरु बृहस्पति। शनि महाराज आपके सप्तम भाव पर ही हैं, यानी आपके करियर के जो हमारा डेली इनकम भाव होता है, जिससे व्यापारियों के लिए देखा जाता है, उस भाव पर संचरण कर रहे हैं स्वराशि पर। और यहीं पर ये तो शनि की स्थिति है सप्तम भाव पर, यानी कि डेली इनकम वाले हाउस पर। ये व्यापारियों के लिए जो है बहुत अच्छा यहाँ पर योग बनाते हैं शनि महाराज। और इसी के अलावा बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके भाग्य स्थान पर संचरण करेंगे इस वर्ष में, और राहु की स्थिति रहेगी आपके अष्टम भाव पर। अगर इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन देखें कि अष्टम का राहु, सप्तम का शनि और नवम का बृहस्पति, आपके लिए तीनों ग्रह कैसे हैं, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं आपके करियर के लिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हाँ, इस वर्ष में तीनों ही ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल है सिंह राशि वालों के लिए। अब सबसे बड़े कारण पर आते हैं कि सबसे बड़ी समस्या होती क्या है सिंह राशि वालों के साथ में। ये अग्नि तात्विक राशि है सिंह राशि, जल्दी से दबती नहीं अपनी बातों को। अगर उनकी कोई काम को कोई गलती उसकी निकाले जिसमें उसकी गलती ना हो, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनते। सिंह राशि वालों के अंदर एक एटीट्यूड अपने आप ही होता है ऑटोमेटिक ही, और ये इसीलिए होता है क्योंकि सूर्य की राशि है। सूर्य व्यक्ति को अधिकारी वर्ग पर एक अधिकार प्रदान करते हैं। सिंह राशि वाले जातक चाहते हैं कि उनके हाथ में सब होल्ड हो, वे काम के हेड हो अपने कार्य में, अपने करियर में, और उनको विशेष तरक्की की प्राप्ति हो। और इसके लिए क्या है कि वे प्रयास भी करते हैं, मेहनती भी बहुत है सिंह राशि वाले। तो सबसे बड़ा जो इनके यहाँ नेगेटिव पॉइंट सामने आता है वो व्यक्ति का क्रोध होता है। व्यक्ति क्रोध में जब भी कोई डिसीजन लेता है, गुस्से में या जब वो अपने शांत स्वभाव में नहीं होता, तो व्यक्ति के डिसीजन अक्सर गलत हो जाते हैं। वर्ष 2024 में ये गलती आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ग्रहों की स्थिति 2024 के अंदर अनुकूल दिखाई दे रही है। 2024 में जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं सिंह राशि वाले, उनको अपने जो भी आपकी लेबर है जो आपके अंडर में काम करती है, उनसे आपको ठीक ठाक संबंध बना करके रखने हैं समय पर, जहां पर आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको नेतृत्व की क्षमता प्रदान प्राप्त होगी इस पूरे वर्ष में, पर आपको क्रोध थोड़ा कम करना है। क्रोध ऐसा नहीं कि नहीं करना है, कोई सिंह राशि वाले अगर क्रोध ना करे तो फिर क्रोध कौन करेगा। तो गुस्सा आपका सही जगह जाए, जो अब उसके क्रोध को अपने घर पर ना निकालें या कहीं और ना निकालें, उसको अपने व्यापारिक स्थलों तक ही रखें, और कुल मिलाकर के अपने जो भी आपकी व्यापारिक बॉन्डशिप है उसको खराब करने का काम बिल्कुल भी ना करें, यानी कि क्रोध को वहां तक आप ना पहुंचने दें। वैसे आपके लिए 2024 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, व्यापार आपका बढ़ेगा, नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। व्यापार में जो समस्या दिक्कतें परेशानी देखिए चल रही हैं, थोड़ी बहुत तो लगातार चल सकती हैं। शनि का जो प्रभाव है, शनि की दृष्टि आपकी राशि पर है, तो मानसिक रूप से आपका जो ध्यान रहेगा आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए तो रहेगा ही रहेगा, और इसके लिए आप चैलेंजेस भी फेस करते ही रहेंगे थोड़े बहुत। इसके अलावा अच्छी चीज क्या है कि राहु महाराज है 8वें घर के अंदर है। अब जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट किया था, उन लोगों को अपने प्रॉफिट्स की इंतजार थी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था तो, या फिर किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया था तो 2024 में इनके जो इतने भी इन्वेस्टमेंट थे, ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न देना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ये 2024 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बाकी बात करते हैं जॉब वालों की, तो जॉब के लिए मैं आपको बताऊं, बृहस्पति महाराज सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही योग कारक है। बृहस्पति की स्थिति मई से पहले ही बहुत अनुकूल है। अगर आप कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं आपके करियर के सेक्टर में, तो आप कर सकते हैं। बृहस्पति की कृपा से अच्छी नौकरी की प्राप्ति के भी प्रबल योग बन जाते हैं।
और बृहस्पति जब तक आपके नवम भाव पर रहेंगे तब तक आपको अधिकारी वर्ग के लोगों से यानी मदद या हेल्प आपकी मुहैया कराते रहेंगे। बृहस्पति जब भाग्य में बैठते हैं तो तृतीय भाव पर इनकी दृष्टि होती है और तृतीय भाव पर देख करके जो व्यक्ति यात्राएं करता है छोटे भाई बहनों से उसको लाभ की प्राप्ति होती है, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाते हैं और थोड़ा सा आपके फैमिली रिलेटिव्स में जो जितने भी फीमेल फैमिली रिलेटिव्स हैं उनसे आपको संबंध अच्छे रखने होते हैं। तो व्यक्ति की यात्राएं, व्यक्ति का परिश्रम, ये सब कुछ जो है प्रॉफिटेबल होता चला जाता है और ये इसलिए भी है क्योंकि बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। बृहस्पति जब भाग्य भाव को देख रहे हैं तो आपकी राशि को भी देखते हैं, सिंह राशि पर भी बृहस्पति का प्रभाव होता है और बृहस्पति का प्रभाव जब सिंह राशि पर है तो फिर तो दिक्कत की कोई भी बात नहीं, क्योंकि बृहस्पति आपको एक अच्छी सूझबूझ, अच्छा नेतृत्व प्रदान करते हैं, आपको क्या करना है कैसे करना है उसकी दृष्टि प्रदान करते हैं। बृहस्पति को अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो आप ब्राह्मणों की सेवा करें, आप मंदिरों में जाकर के मंदिर प्रांगण की सेवा करें या फिर आप जो है घर में बूढ़े बड़ों की सेवा करें और अपने पिता का मुख्य रूप से आशीर्वाद लें, इससे आपको अलग ही बल प्राप्त होगा। और बृहस्पति आपको करना क्या है, सबसे बड़ा व्यक्ति के आगे जो समस्या होती है वह समझ ही नहीं पाता उसको करना क्या होता है, नेतृत्व की उसके पास क्षमता नहीं होती, तो ये इस वर्ष में आपको प्राप्त होने जा रही है, इसका आपको लाभ प्राप्त करना है। बाकी नौकरी के प्रबल योग कब बनते हैं तो मई के बाद में बृहस्पति आ जाएंगे आपके करियर भाव में। जो लोग नौकरी की प्राप्ति के बारे में बहुत संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए मई के बाद में गुड न्यूज आ सकती है। वैसे गुड न्यूज आपकी मई से पहले भी आपके प्रबल योग बन रहे हैं, आपके मार्च और अप्रैल ये दो महीने ऐसे रह सकते हैं जिसमें आपकी जॉब लग सकती है। मई के बाद में क्या है विशेष तरक्की हो सकती है, प्रमोशन की जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मई के बाद में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जो लोग अपने धन को एकत्र करके मकान बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से कुछ लाभ कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी मई का जो महीना है मई के बाद का वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी मिड के बाद से ही आपको विशेष तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर रहेगी, थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी में निवेश करते हुए या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हुए उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने अच्छे तरीके से, ये आपका विशेष ध्यान रहेगा। इसी के अलावा जब राहु की हमारा प्रभाव है आठवें घर के अंदर तो राहु की दृष्टि बारहवें घर के अंदर जाती है, इस वर्ष में निवेश भी होंगे आपके, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे, आपके खर्चे भी बने रहेंगे। अच्छी बात यह रहेगी कि आपको काम से लेकर के करियर से लेकर के कोई गुड न्यूज मिल सकती है। जो लोग पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में या कि विद्यार्थी हैं या फिर बुक्स में या फिर आपके मैनेजमेंट को संभालते हैं या बृहस्पति से संबंधित किसी प्रकार का, या तो आप डॉक्टर हैं या आप वैज्ञानिक हैं या फिर आप टीचर हैं तो आपको, या फिर एक ज्योतिषी हैं या फिर एक पंडित हैं या आपका इनसे संबंधित किसी भी प्रकार में किसी सामग्री को बेचने का काम है, जैसे कि आपका धार्मिक पुस्तकों को, धार्मिक सामग्री को बेचने का काम है या बृहस्पति संबंधित काम है या ज्ञान का काम है आपका, स्टडी मटेरियल्स आप बेचते हैं, तो भी आपको यहाँ पर इस वर्ष में विशेष तरक्की हो सकती है। अब बात करते हैं कि ग्रह दोष क्या है, उससे बचने का उपाय आपको करना है। आठवें घर के अंदर थोड़ा सा राहु है, समय समय पर आपको अचानक से धन लाभ करवाएगा, परंतु इसकी एक कमी यह रहती है कि अचानक से व्यक्ति के सामने ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है और व्यक्ति के सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है कि व्यक्ति को कन्फ्यूजन पैदा होता है कि व्यक्ति करे तो क्या करे। उस स्थिति में आपको करना क्या है कि गणेश रुद्राक्ष इस वर्ष 2024 में आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, जो पूरे वर्ष आपको माइंड को क्लियर रखेगा, आपको राहु का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने देगा। राहु बारहवें घर पर दृष्टि डाल रहा है तो इसीलिए आपकी यात्राएं भी करवाएगा, परंतु यात्राएं हॉस्पिटल से जुड़ी हुई ना हो इसके लिए आप गणेश रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें, आपके लिए इस वर्ष धारण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है और इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राहु की जो दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर भी रहेगी, जिसके कारण से धन संबंधित मामलों में आपको वाणी का बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करना है और कुटुंब में विवाद के झगड़ों की स्थिति जो है ज्यादा से ज्यादा बचना है, ये इस वर्ष में सिंह राशि वालों के साथ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों ये थी जानकारी के करियर के लिए कौन कौन सा, जॉब्स के लिए कौन कौन सा समय अच्छा रहेगा, जॉब आपको कब प्राप्त हो सकती है, जैसे मैंने कहा मई के बाद में जॉब के लिए अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा है समय और आपके चारित्रिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए भी समय बहुत अच्छा है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। तो कुल मिलाकर के वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आपको जरा सा भी मार्गदर्शन मिला हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्या।